जब आपका एक समय तो मैंने छोटी बच्ची को देखा, 5 साल की होगी, गुब्बारे बेच रहा बेच रही थी, तो लिखा कि कैसी जिंदगी है, कैसी जिंदगी है, कोई खिलौनों से खेलता है तो कोई खिलौनों को बेचता है, कैसी जिंदगी है, कोई खिलौनों से खेलता है तो कोई खिलौनों को बेचता है, उम्र एक ही है, फर्क इतना है कि जो खिलौनों से खेलता है स्कूल जाता है, जो खिलौनों को बेचता है अपना जीवन बर्बाद कर देता है। इनके चेहरे को देखो साहब, इनके चेहरे को देखो साहब, बड़े मासूम नजर आएंगे, बिना गुनाह किए कैसी सजा पाई है ये कुछ नहीं बता पाएंगे। और कौन है इनके गुनहगार, सिस्टम या समाज? एक तरफ कहा जाता है कि बाल मजदूरी कानूनी अपराध है, तो फिर कानून क्यों नहीं कुछ कर रहा है, और समाज देखकर भी अनदेखा कर देता है। जब कोई बड़ी घटना घट जाए तो कैंडल मार्च निकाल कर इंसानियत का पाठ पढ़ाता है। इनके चेहरे को देखो साहब, बड़े मासूम नजर आएंगे, बिना गुनाह किए कैसी सजा पाई है ये कुछ नहीं बता पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इनके गुनहगार इनके माँ बाप ही हैं, तो मैं सिस्टम से गुहार करूंगा कि इनके माँ को सिखाया जाए, समझाया जाए, बच्चा पैदा करने के बाद उसे पढ़ाया जाता है ना कि खिलौना बिछवाया जाता है। कैसी जिंदगी है, बहुत अच्छा।